हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 टेक्नोलॉजी। दोस्तों, मेरा नाम है जमाल महबूब और मैं आपको कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी और फ्रीलांसिंग से जुड़ी हुई न्यूज़ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैं आपको कंप्यूटर हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अगर आप कंप्यूटर में आना चाहते हैं तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर है क्या और ये कब से स्टार्ट हुआ कंप्यूटर की हिस्ट्री। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से स्टार्ट टू एंड बताऊंगा कि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की एब्रीविएशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आज की हमारी जो आउटलाइन है उसके जो पहली डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ चलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर एक लफ्ज़ है जो हमारे जहन में आता है कि इसका मतलब क्या है। कंप्यूटर, अगर हम जब भी किसी लफ्ज़ की बात करते हैं तो हम एब्रीवेशन की बात करते हैं कि इसका एब्रीवेशन क्या होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इसका एब्रीवेशन जो है नहीं पता, लेकिन वो कंप्यूटर के लफ्ज़ से वाकिफ तो हैं लेकिन एब्रीवेशन उनको नहीं पता। दोस्तों, कंप्यूटर स्टैंड फॉर होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। दोस्तों, ये है कंप्यूटर का एब्रीवेशन। उसके बाद हम फॉर्मल एक जो हमारी डेफिनेशन है कंप्यूटर की, उसको देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद वो हमें रिजल्ट देता है। ये वो डेफिनेशन फ्रेंड जो आप मुख्तलिफ बुक्स में देखते हैं, मुख्तलिफ आप वेबसाइट्स के ऊपर डेफिनेशन पड़ी हुई है, ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है। चलते हैं हम कंप्यूटर के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज मेड अप फॉर मल्टीपल पार्ट्स एंड कंपोनेंट दैट फैसिलिटेट यूजर फंक्शनैलिटी। कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों से बना हुआ है जो कि यूजर को फैसिलिटेट करता है उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से। मतलब ये कि कंप्यूटर जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट है जी, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि मैनिपुलेट करती है डाटा को अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में ऑलरेडी लिस्ट होती है इंस्ट्रक्शंस की जिसको फॉलो करके हम उस डाटे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इट कैन क्विकली स्टोर एंड रिट्रीव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर क्या करता है जी, हमारा बहुत सारा डाटा जो है उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, उसको हम जब चाहे यूज, रिट्रीव मतलब जब चाहे हम उसको यूज भी कर सकते हैं। इट कैन एग्जीक्यूट अ प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो हमारा जो कंप्यूटर है वो प्री रिकॉर्ड लिस्ट को उन इंस्ट्रक्शंस के जरिए एग्जीक्यूट होता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं, उसके जरिए वो उसको एग्जीक्यूट करवाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द टास्क इट प्रोड्यूस रिजल्ट्स। जब हम उसको इनपुट देते हैं किसी इनपुट डिवाइस के जरिए तो उसके ऊपर वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद प्रोड्यूस रिजल्ट्स यानी कि हमें आउटपुट की सूरत में रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। दिस इज शोन थ्रू एन आउटपुट डिवाइस। वो हमें किसी आउटपुट डिवाइस जिस तरह कि हमारा प्रिंटर है, हमारा LED है, LCD है, हमारा मॉनिटर है, वो हमें इसके जरिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, ये थी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर की एब्रीवेशन, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन और कुछ कंप्यूटर के मेन जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बताया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो हमारी आउटलाइन का नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ। जी दोस्तों, सेकेंड है जी अर्लीस्ट कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है अबेकस का। अबेकस के साथ ही कंप्यूटर की तारीख का हजारों साल पहले आगाज हुआ था। अबेकस क्या है? ये एक लकड़ी का रैक है जिसमें हॉरिजेंटल वायर्स जो हैं उनमें कुछ तारें लगी होती हैं। इन तारों में कुछ मोती परोए होते हैं जो कि यूजर इन मोतियों को याद करके प्रोग्रामिंग कवानीन के तहत इधर से उधर हरकत देकर तमाम मुकर्री हिसाब मसाइल हल कर सकता है। अबेकस जो था वो बेबलोनिया में 2400 में इन्वेंट हुआ था और फर्स्ट इसको चाइना ने यूज किया था राउंड अबाउट 500 BC। ये इन तारों में मोती परोए होते हैं। जब यूजर इन मोतियों को याद किए गए प्रोग्रामिंग कवानीन के तहत इधर उधर हरकत देकर तमाम मुकर्रर साबित मसाइल जो है वो हल कर सकता है। अबेकस के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है उसके हम बात करते हैं जॉन नेपियर, जिसको हम नेपियर बोन भी कहते हैं।
जॉन नेपियर जो था वो स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन था जिसने कैलकुलेशन में सहूलत के लिए लॉगरिथम जो था वो मुतारफ करवाया था। उसने हिसाब किताब के लिए एक रॉड जिसको बाद में जॉन नेपियर जिन्हें हम नेपियर बोन्स भी कहते हैं उसके तरीके इस्तेमाल भी मुतारफ कराया था। इन रॉड्स को अकाउंटेंट्स ने और बुक कीपर्स ने वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोगों ने लॉगरिथम के तस्वर को स्लाइड रूल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया था। एक जदीद स्लाइड रूल के साथ आप सिर्फ बुनियादी हिसाबी अवामिल ही परफॉर्म नहीं कर सकते बल्कि आदात का मुरब्बा जजल मुरब्बा लोगराथम साइन और टेंजेंट भी मालूम कर सकते हैं। जॉन नेपियर के बाद हमारे पास पास्कल पास्कल आइन कैलकुलेटर है। पास्कल कैलकुलेटर को हम अर्थमेटिक मशीन या पास्कल आइन भी कहते हैं। पास्कल कैलकुलेटर जो है उसको मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते हैं। उसको इन्वेंटेड किया था ब्लेज पास्कल ने अर्ली 17 सेंचुरी ने सेंचुरी में। पास्कल ने एक मशीन ईजाद की थी जिसमें गियर से जिसको हम गरारियां भी कहते हैं। इस मशीन में एक दंदाने वाली गरारी का दंदाना 10 दंदाने वाली गरारी के साथ मुंसलिक होता था। 10 दंदानों वाली गरारियों को एक मरतबा घुमाने के लिए इसको 10 मरतबा चक्कर लगाने पड़ते थे। हैंडल को क्रैकिंग करते हुए अदात को एंटर और क्यूमुलेटिव मजमू हासिल किया जा सकता। पास्कल का जो कैलकुलेटर था वो कमर्शियली तो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इसके आलात जो थे वो आम इस्तेमाल के साथ नहीं बनाए जा सकते थे। तो इसी दौरान एक जर्मन मैथमेटिशियन था वॉन लेबनीज जो था उसने पास्कल की तरह एक मशीन ईजाद की थी जो कि ज़्यादा काबिल एतबार भी थी और दुरुस्त भी थी। इसके बाद आने वाले दूसरे मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कल और लेबनीज के डिज़ाइन के बहुत मुश्किल थे। जी दोस्तों पास्कल के बाद हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। जी हाँ चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का जो दौर था वो 26 दिसंबर 1791 से लेके 18 अक्टूबर 1871 का था। तो फर्स्ट आइडिया था कंप्यूटर का बेसिकली वो डेवलप हुआ था वो 1837 में चार्ल्स बेबेज ने दिया था। चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश पॉलीमैथ मैथमेटिशियन था फिलोसोफर था इन्वेंटर था और मैकेनिकल इंजीनियर था। इनिशियली जो डिजिटल प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो चार्ल्स बेबेज ने ही दिया था। जब कुलमर का थॉमस एक कैलकुलेटर बना रहा था तो उसको कैम्ब्रिज इंग्लैंड में चार्ल्स बेबेज के तवज से कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इनकी डेवलपमेंट का एक दौर शुरू हो चुका था। ठीक है तो उस वक्त उन्होंने एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन जो थी उसको डिज़ाइन करना शुरू किया था जिसको वो डिफरेंस इंजन का नाम भी देता था। 1822 में चार्ल्स बेबेज के बाद दिखाने के लिए एक मॉडल था जिसके बकायदा उसके बाद आउटपुट के रिजल्ट्स भी मौजूद थे। चार्ल्स बेबेज ने ये जो काम है मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक बाप से चलता था और इसमें बहुत ज़्यादा उसके रिजल्ट भी थे और बेबेज ने मजीद इसके ऊपर 10 साल काम जारी रखा और 1833 में उसने इसकी दिलचस्पी खो दी। उसका ये ख्याल था कि इसके पास इससे एक बेहतर आइडिया है यानी कि ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर की बनावट का आइडिया। बेबेज इसको एनालिटिकल इंजन का नाम देता था। द साइंस म्यूजियम डिफरेंस इंजन ये आपके पास एक सामने तस्वीर आ रही है जो कि इस वक्त म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों चार्ल्स बेबेज के बाद 1890 में होलीरथ ने पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच का टेबुलेटर बनाया था जो पंच की गई इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता था। जी दोस्तों ये जो कार्ड थे इनको स्टैक की शक्ल में रखना पड़ता था और मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए कार्ड को मुख्तलिफ स्टैक्स पर स्टोर किया जाता था और जब उनकी जरूरत होती थी तो उनको इस्तेमाल किया जाता था। पंच कार्ड की जो एक जदीद इन्वेंशन थी डेटा प्रोसेसिंग की उसका जो गेट खुल गया था पंच कार्ड के इस्तेमाल के बाद। आईबीएम और अदर जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने पंच कार्ड के इस्तेमाल करने के लिए अलग कंप्यूटर बनाए जाने लगे। ये कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन और उनको एक सीक्वेंस दे सकते थे उन्हें डाटा मुहैया किया जाता था और उसके नतज में पंच कार्ड पर हासिल हो जाते थे।
अगर हम बात करें तो वो एक जो एक कार्ड था वो 80 डेसिमल यानी कि 80 डेसिमल नंबर यानी कि 80 कैरेक्टर जो है वो स्टोर करता था। ये दोस्तों पंच कार्ड के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बारी आती है जिसको हम यूनिवेग या यूनी के नाम से भी पहचानते हैं। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट की बात करें तो उस वक्त मिलिट्री को स्पेशली कंप्यूटर की जो एक कैपेसिटी थी उसको बढ़ाने के लिए जरूरत महसूस हुई, तो जो नए हथियार थे उनकी बड़ी तादाद में कैलकुलेशन की जरूरत थी। तो इस काम के लिए 1942 में जॉन पी एकर्ट और डब्ल्यू पी मैकॉली ने स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक कंप्यूटर बनाने का फैसला किया। इस मशीन को स्टार्ट में इनेक के नाम दिया गया जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसके बाद इनेक जो हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, इसके बाद यूनिवेग था जो कि हमारा कमर्शियल कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल हुआ जिसको हम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं, एंड इनेक एंड एडोवे। सबसे लास्ट पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिसमें हम फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन की तरफ जिसमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है 1946 से 1959 तक। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसको इन्वेंट किया था जिसको हम इनेक और यूनिवेक के नाम से भी पहचानते हैं। इनेक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये जो कंप्यूटर था इसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, बेसिक जो कंपोनेंट था फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू। इस जनरेशन में जो एक मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था, पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप यूज हुई थी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी वो रिलाई करी थी मशीन लैंग्वेज के ऊपर जिसको हम लोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं जो कि सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है टू परफॉर्म ऑपरेशन, और इसमें एक वक्त में एक ही प्रॉब्लम को हल किया जाता था। यूनिवेक और इनेक हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, और यूनिवेक जो थी वो हमारा पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जो हमने डिलीवर किया था बिजनेस क्लाइंट को यूएस सेंसस ब्यूरो को इन 1951 में। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी हमारी फर्स्ट जनरेशन में थी वो थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास इनेक है, एडोवेक है, यूनिवेक है, आईबीएम 701 है, आईबीएम 650 है। ये वो कंप्यूटर थे जो कि हमारी फर्स्ट जनरेशन में यूज हुए थे, और ये कंप्यूटर बहुत बड़े थे और अनरिलायबल थे। इसके बाद एडवांटेजेस की बात करें तो इट मेड अस ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच आर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इट मेड अस विद द वैक्यूम ट्यूब क्योंकि उस वक्त हमारे पास उस दौर में जो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स ही अवेलेबल थे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर, और ये कंप्यूटर कैलकुलेट करते थे मिली सेकेंड्स में। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत बड़े साइज में होते थे और उनका राउंड अबाउट 30 टन एक पूरे रूम के बराबर उनका एक था। अनरिलायबल थे, मशीनरी सपोर्ट नहीं करते थे, बहुत कॉस्टली थे और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस था, बहुत साइज था, एसी की रिक्वायर थी, नॉन पोर्टेबल थे। उसके बाद हम कह रहे कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस कर रहे थे और इनकी इनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। इट कुड स्टोर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। वेरी लेस वर्क एफिशिएंसी थी और लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज थी। पंच कार्ड वर यूज टू टेक इनपुट और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो थी वो यूज होती थी हमारी फर्स्ट जनरेशन में। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो दौर था वो 1950 से 1965 का था, और अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमारा बेस कर रहा था ट्रांजिस्टर के ऊपर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब को इस जनरेशन ऑफ यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर जो थे वो इन्वेंट किए थे
बेल लैब्स ने 1947 में बट डिड नॉट सी वाइड स्प्रेड इन यूज इन कंप्यूटर अंटिल द लेट 1950s. दिस कंप्यूटर वर मोर रिलायबल एंड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब यूज्ड ट्रांजिस्टर. द इनपुट ऑफ दिस कंप्यूटर वर हायर लेवल लैंग्वेज लाइक बोल फोर्ट्रान. बोल और फोर्ट्रान हमारे पास एक लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन लेवल के अंडरस्टैंड होती हैं. इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज दैट वर चीपर, कंज्यूम्ड लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, मोर रिलायबल एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन मशीन मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब. इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रान कोबोल वर यूज्ड. मैंने आपको पहले बताया था फोर्ट्रान कोबोल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. हाई लेवल लैंग्वेजेस मतलब वो जो इनको ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है, और लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनको मशीन अंडरस्टैंड करती है. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी थी इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुए थे. और अगर हम एक एग्जाम्पल करें इस दौर की मशीनरी की, तो IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और Univac 1108 ये वो एग्जाम्पल्स हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की. और इसके एडवांटेजेस की बात करें तो रिलायबल थे इन कंपैरिजन विद, अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की वैक्यूम ट्यूब्स की, तो स्मॉलर साइज में थे फर्स्ट जनरेशन के लिहाज से, और लेस हीट जनरेट करते थे फर्स्ट जनरेशन के लिहाज से, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. और अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें बिल्कुल इनके कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थे, एसी रिक्वायर्ड था, और मशीन और असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे. इसके बाद हमारे पास है जी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम देखते हैं जी इसका पीरियड स्टार्ट होता था 1965 से 1971 तक. इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट को इंट्रोड्यूस करवाया था हेल मार्क ने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में. ये जो कंप्यूटर थे ये डिफरेंस थे फर्स्ट और सेकेंड के, क्योंकि इसमें एक तो सबसे आईसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और एलिमेंट जो थे आईसी के वो इस्तेमाल हो रहे थे, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो बहुत स्मॉल डिवाइस थी, ठीक है, जिसको हम थाउजेंड के हिसाब से उनको इनके ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, रेजिस्टेंस लगे हुए थे, और अंदर सर्किट एलिमेंट थे मेक अ कंप्यूटर. जैक किल्बे इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट और द आईसी चिप्स. यानी कि जो जैक किल्बे था उसने बेसिकली इसको इन्वेंट किया था हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट को और आईसी चिप्स को. दिस डिवेलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज, रिलायबल एंड एफिशिएंट. इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज. हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान, टू फोर कोबोल, पास्कल और इसके अलावा बेसिक और बाकी जो लैंग्वेजेस वो इंट्रोड्यूस हुई वर यूज ड्यूरिंग द दिस जनरेशन. टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट था, और एग्जाम्पल की हम बात करें तो IBM 3670, 360, PDP, पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370 और 168 और Honeywell 6000 सीरीज थी. अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, और कंज्यूम्ड फॉरलेस पर बहुत कम इस्तेमाल करते थे, और स्मॉलर थे साइज में एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन, और लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन, लेस हीट जनरेट करते थे, फास्टर थे एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड फर्स्ट जनरेशन, और इनकी स्टोरेज जो कैपेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, वो भी ज़्यादा थी. अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एयर कंडीशनिंग ऑब्वियसली रिक्वायर्ड था थर्ड जनरेशन में भी, और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती थी मैन्युफैक्चरिंग फॉर आईसी चिप्स. और टैक्टाइल सेंसिटिविटी, यानी कि हमें आईसी चिप को टैकल करने के लिए सेंसिटिविटी जो थी वो भी दरकार थी. अगर हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो उसके पीरियड स्टार्ट होता है 1971 से लेके 1980 तक. इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें VLSI सर्किट्स यूज हुए थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स. अगर इस VLSI की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर जो चिप पर एक मुकम्मल प्रोसेसिंग सर्किट है जिसके ऊपर 5000 ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनके एलिमेंट होते हैं सुसेट होते हैं उस सिंगल चिप के साथ. इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन. अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर चिप एक मुकम्मल प्रोसेसिंग सर्किट है. टेड ऑफ ने 1971 में
इंटेल के लिए पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जिसको इंटेल 4004 का नाम भी दिया गया था। जदीद माइक्रो प्रोसेसर अमूमन एक मुरब्बा इंच से कम के होते हैं और लाखों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। आजकल की बिजली के बहुत से आलात जैसे कलाई की घड़ियां, माइक्रोवेव ओवन और गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर की चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की इजाद की साथ ही शुरू हुई थी और इसने कंप्यूटर की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया था। इंटीग्रेटेड सर्किट से टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पेश कदमियाँ हुई, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो था बनाए गए थे, जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर की इजाद में किरदार अदा किया था। कंप्यूटर की इस जनरेशन में सेमी कंडक्टर मेमोरी इस्तेमाल हुई थी जिसने कंप्यूटर की अंदरूनी स्टोरेज की गुंजाइश को बढ़ाया। इस तरह कंप्यूटर प्रोसेसिंग रफ्तार और अंदरूनी स्टोरेज की गुंजाइश बहुत बढ़ गई और ये साइज में मजीद छोटे होते गए। चौथी जनरेशन के कंप्यूटर की अगर हम मिसाल लें तो उसमें हमारे पास एप्पल मैकिंटोश और IBM PC वगैरह शामिल हैं। फोर्थ जनरेशन जो थी वो हमारे पास टाइम शेयरिंग थी, रियल टाइम नेटवर्क था, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम थे और सबसे बड़ी बात इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस C++ वगैरह यूज होती थी। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर थे और एग्जांपल हमारे पास IBM PC है, एप्पल 2 है, VX9000 है, DEC0 है और ग्रे है। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो VLSI टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, पोर्टेबल थे, रिलायबल थे, पावरफुल ज़्यादा थी एज पर प्रीवियस जनरेशन, स्मॉलर थे साइज में और फास्ट प्रोसेसिंग पावर थी विद लेस पावर कंजप्शन और एयर कंडीशन की जरूरत नहीं रही। कमर्शियल प्रोडक्शन थी इसकी चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन। और जिस एडवांटेजेस की बात करें तो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये थे हमारी फोर्थ जनरेशन। अगर हम इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसका स्टार्ट होता है पीरियड 1980 से लेके अब तक। पांचवी जनरेशन की कंप्यूटिंग आलात की बुनियादी जो मजरूआत थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थी। फिफ्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी थी वो UALSI टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई थी और रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरेशन जो थी हमारी फिफ्थ जनरेशन ये बेस कर ली थी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और AI जो थी वो क्योंकि एक इमर्जिंग ब्रांच है हमारे कंप्यूटर साइंस की, इसमें जो चीज़ें यूज होती हैं जो इनके जो एक तो रोबोटिक्स के ऊपर काम हो रहा था, न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम हो रहा है, गेम प्लेइंग के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये सारी वो एग्जाम्पल्स जो हमारी आजकल के दौर में चल रही हैं। अगर हम मेन फीचर की बात करें तो इसमें UALSI टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसिस विद मल्टी मीडिया फीचर अवेलेबल ऑफ एवरी पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट्स। डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं, दे टेंड टू बी सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टूल्स, they can give more power to companies to watch what you are doing and even allow them in to infect your computer.